Raymond Wild Farm. Dr. Raymond Wild Farm. Sir, is it cut? And I'd like to request Mr. Vishnu Prasad Brahma to respect our imminent guest with silk coat and shawl. Mr. Vishnu Prasad Brahma is power of attorney, UNB Trust. And for handing over of citation, I would like to request our Honorable Chief of BTR, Sri Pramod Boroji. It's a very happy moment for us, and I would like to request our house to give a more thunderous clapping. So, Bari Akai Kumukata Goi Kumar, Kumane Zabai. Now, I would like to request our Honorable Chairperson of today's program, Sri Uttamav Gara Brahmoji, also Honorable Cabinet Minister of Assam, to hand over the memento to Dr. Abhay Bhangji. And now I would like to request to hand over the cash award of money, Dr. Subham. It's a very happy moment for all of us. We are really blessed that in our soil today we have blessings of an eminent. BTR, actually we are blessed by your presence today. I'll put a lot of message to you after you against the society to be signed. मुझे कौन समाज मिला जो भी कुछ पढ़ा हो मेरे हाथों हुआ होगा और जिसके लिए आप मुझे अवार्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं वो सब इन दो लोगों की गिफ्ट है, एक महात्मा गांधी की और दूसरी गर्जी जी के गोम की। तो आज आप बोर समाज से आए हुए हम दोनों को बोरो समाज के महान बोरो संस्कृति के साथ जोड़ ले रहे हैं, ये बड़ा सम्मान है। तीसरा सम्मान ये है कि इसके पहले ये पुरस्कार जिन बड़े बड़े सम्माननीय लोगों को मिला है उनमें महाश्वेता देवी का नाम है, उनमें डॉक्टर गणेश देवी का नाम है, अरुणा रॉय का नाम है, नटवरलाल ठक्कर का नाम है, हेम भराली का नाम, बड़े बड़े नाम है। सब नाम तो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मुझ जैसे सामान्य आदमी को आप इनके साथ एक कतार में खड़ा कर रहे हैं, तीहरा सम्मान है। तो इस तीहरे सम्मान के लिए, ट्रिपल ऑनर के लिए मैं बोडो जनता, यूएनबी ट्रस्ट और आपसु इन तीनों का बहुत आभारी हूँ। इस पुरस्कार को जैसे कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी संस्था जो है सर्च, जिसमें 300 सहयोगी के साथ हम काम करते हैं, तो सर्च संस्था के हमारे सब कार्यकर्ता, गढ़चिरी जिले की जनता और बोर्ड आदिवासी, इन सब की ओर से मैं विनम्रता से ये सम्मान स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है, क्योंकि कोकराझार और गढ़चिरौली में, बोरो और बोंड में बहुत सारी समानताएं हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं गढ़चिरौली में तो नहीं खड़ा हूँ, महाराष्ट्र के पूर्व सिरे पर गढ़चिरौली जिला स्थित है। आपके कोकराझार जिले जैसा ही करीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन का, आपके पास महान ब्रह्मपुत्र नदी है,
दर्जुली एक बड़ी विशाल वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। दोनों ही हरे भरे हैं। अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा अवार्ड तो ये लगा कि स्वर्गीय उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के काम के साथ, उनके नाम के साथ मैं अपने आप को जोड़ सका। बोडो जो मूवमेंट हुई उसके बारे में अच्छी और कुछ गलत फहमी दोनों भारत में है, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि एप्सू के नेतृत्व में और जो ब्रह्मा जी ने शुरू किया उस दिशा में ये शांततामय युवा आंदोलन रहा, और सिर्फ बोडोलैंड के लिए नहीं, ये विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चरल फ्रीडम के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये जागृत हैं, काम करते हैं, तो मुझे इनके बारे में मुझे बड़ा सम्मान लगा। मैं गढ़चिरौली के गोंड आदिवासियों में काम करता हूँ। भारत भर के आदिवासियों के स्वास्थ्य का जो हमने अध्ययन किया है तो हर जगह आदिवासी के स्वास्थ्य की स्थिति में एक जैसे ही है। स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्या किया जा सकता है? तो भारत सरकार को एक ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट हमने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी, आसाम के बोडोलैंड के बोडो आदिवासी और भारत के 11 करोड़ आदिवासी ये मांग करेंगे कि आदिवासी को स्वास्थ्य में स्वराज्य चाहिए। आज के मेरे यहाँ आने का सबसे महत्व की उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि मेरी ब्रह्मा जी के काम से और आपसू के काम से और बोडो संस्कृति से परिचय हुआ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ।